यहाँ बहुत सारी गर्मा गर्म टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक खबरें लेके आ गया हूँ। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी का सिलसिला चालू करने से पहले हमारा आप देख रहे हो बहुत दिनों से यही बैकग्राउंड है, जो भी वीडियोज आते हैं वो सब यही बैकग्राउंड पे आ रहे हैं। सो आप लोग आप दोस्तों हमने कमेंट किया था, सो इसलिए दोस्तों हम थोड़े देर में बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं, 2-3 नए बैकग्राउंड्स होंगे। सो वो वीडियो सो उस बैकग्राउंड के लिए आप जरूर से स्टे ट्यून्ड रहना। लेकिन दोस्तों वीडियो पसंद आएगी लाइक करना और फटाफट से आज की भी टेक न्यूज हम जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप विद स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर, 8GB रैम स्पॉट किया गया है ऑन गीकबेंच। सो दोस्तों शायद ये इसका जो 5G वर्जन है वो जल्दी लॉन्च हो जाए इंडिया में, और जब ये लॉन्च होगा सो फुल डिटेल्स पे इसका वीडियो जरूर करेंगे। वैसे इसमें आपको 3300 mAh की बैटरी है और फुल स्पेक्स का वीडियो जरूर। अगला अपडेट निकल के आता है शाओमी की तरफ से यानी रेडमी की तरफ से, शाओमी मी सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड विद ब्लूटूथ रिमोट लॉन्च हो गया है इन इंडिया एट ₹1099। बहुत ही अग्रेसिव प्राइस है और दोस्तों इसमें बहुत सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड है, सो अगर आपको लेना है सो शाओमी की तरफ से दोस्तों आज लेटेस्ट ट्राइपॉड लॉन्च हो गया है एट ₹1099। अगला अपडेट निकल के आता है मी की तरफ से, मी वॉच कलर में लॉन्च एज मी वॉच रिवॉल्व। जी हाँ दोस्तों, और जब दोस्तों ये लॉन्च होगा सो फुल डिटेल्स पैक का वीडियो हम इसके ऊपर जरूर करने वाले हैं। वैसे दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो की, आज का हमने दो वीडियो अपलोड किए, एक हमारे हिंदी चैनल पे किया है, एक हमारे इंग्लिश चैनल पे किया है। जो इंग्लिश चैनल पे किया है उसकी लिंक्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जरूर से जाके उसको देख लेना। वैसे हमने हमारे हिंदी चैनल पे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के फुल डिटेल्स एंड स्पेक्स किया है, और हमारे इंग्लिश चैनल पे सैमसंग गैलेक्सी 821 इसके फुल डिटेल्स और स्पेक्स का किया है। दोनों में वीडियोस बहुत ही अच्छे हुए, जरूर देखिएगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, रेडमी 8A ड्यूल की प्राइस फिर से इंडिया में हो गई है हाइक। जी हां दोस्तों, रेडमी के फोन्स की कुछ दिनों से बहुत प्राइसेस बढ़ रही है और फिर से अब ये दो फोन्स की बढ़ गई है। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में इंक्रीज हुआ है ऑफ 500 और रेडमी 8A ड्यूल में इंक्रीज हुआ है ऑफ 300। सो रेडमी 8A ड्यूल का जो 3GB 32GB वर्जन है उसकी प्राइस अभी हो गई है ₹8299, और जो Redmi Note 9 Pro Max का 8GB वाला मॉडल है उसकी प्राइस अभी तक ये नहीं हुई है, हाइक नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों अभी दोस्तों Redmi Note 9 Pro Max की प्राइस है 16999, पहले थी 16499, 500 रुपए से बढ़ गई है फॉर द 6GB 64GB, और 18499 हो गई इसकी प्राइस फॉर द 6GB 128GB, पहले 1799 थी, और अब दोस्तों इसका 8GB वाला वेरियंट की प्राइस अभी तक नहीं बढ़ी है। अगला अपडेट निकल के आता है TCL की तरफ से, TCL 2020 OLED 4K एंड 8K Android TV लॉन्च हो गया है इन इंडिया, और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम 45990, और इसके दोस्तों काफी अच्छे अच्छे प्राइस है, अच्छे स्पेक्स है। जो इसका 8K 75 इंच वाला टीवी है उसकी प्राइस है 299990 इन इंडिया, और बहुत ही महंगा टीवी है दोस्तों, और लेकिन स्पेक्स आपको बहुत ही अच्छे देता है। और पूरी अगर फुल लिस्ट की बात करें सो C715 सीरीज इज प्राइस डेट 45990 फॉर द 50 इंच, 55990 फॉर द 55 इंच, 79990 फॉर द 65 इंच, और जो C815 सीरीज है उसकी प्राइस है ₹69990 फॉर द 55 इंच, 99990 फॉर द 65 इंच, और 149990 फॉर द 75 इंच। और दोस्तों फ्लिपकार्ट का बिग सेविंग डे सेल चालू होने वाला है फ्रॉम ट्यूसडे जून 23, और कुछ अच्छे डील्स मिलते हैं स्पेशली वीवो Z1X, गूगल पिक्सल 3A, ये सब स्मार्टफोन्स के तो बहुत अच्छे अच्छे डील्स है। थोड़े बहुत डील्स बता देता हूँ, वीवो Z1X की प्राइस अभी है 14990 से होने वाली है 14990, और गूगल पिक्सल 3A सीरीज की प्राइस होने वाली है 30,000 के आसपास, और जून 23 टू जून 27 ये होने वाला है सेल, फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल। अगला अपडेट निकल के आता है Realme की तरफ से, Realme X3 सुपर जूम टीज हो गए हैं, फ्लिपकार्ट यहाँ टीजर पे आ गए, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अगला अपडेट निकल के आता है Huawei की तरफ से यानी Honor की तरफ से, Huawei ने डिटेल कर दिए विच फोन्स विल रिसीव EMUI 10.1 मैजिक UI 3.1 अपडेट ग्लोबल इजा दोस्तों, और पूरी यहाँ पर लिस्ट आ गई है। सो उस लिस्ट की बात करें सो जो थोड़ी बहुत लिस्ट मैं आपको बता ही देता हूँ, लेटर दिस जून में स्टार्ट होने वाला है इनका रोल आउट। और दोस्तों Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20 Pro, Huawei View 20, Honor 20 और Honor 20 यूजर इन द कंट्री ऑल्सो रिसीव Android 10 बेस्ड ऑन मैजिक UI 3.1,
और हुआवी P30, Mate 20S, स्पोर्ट्स डिजाइन हुआवी Mate 20 RS, Mate 20X, Mate 20X 5G, हुआवी Nova 5T, हुआवी Mate XS, हुआवी Nova 7i और हुआवी Mate 30 सीरीज, ये भी कुछ स्मार्टफोन्स है। और टैबलेट्स को भी EMEA 10.1 का अपडेट मिलने वाला है। अगला अपडेट निकल के आता है पोको की तरफ से, पोको M2 Pro रिसीव्स BIS सर्टिफिकेशन या दोस्तों, और ये मेल लॉन्च इन इंडिया सून या दोस्तों। पोको M2 Pro की हम बहुत बात कर रहे हैं और पोको ऐसा उनके जो मैनेजर उन्होंने भी कहा है कि एक नया फोन, पोको का नया फोन लॉन्च होने वाला है इन इंडिया इन नेक्स्ट 20 to 25 डेज। हमने 2-3 दिन पहले टेक न्यूज में कहा था। और सो ये क्या नाम होगा दोस्तों पता नहीं है, पोको F2 Pro हो सकता है, पोको M2 Pro भी दोस्तों हो सकता है क्योंकि इसको मिल गया BIS ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन और मे लॉन्च इन इंडिया वेरी सून। अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 को ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन मिल गया है और शायद ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। और दोस्तों अलॉन्ग साइड गैलेक्सी बर्ड्स एस ये भी लॉन्च होने वाला है जल्द ही। और जो दोस्तों जब लॉन्च होगा सो फुल डिटेल्स पे इसका वीडियो उसके ऊपर हम जरूर करेंगे। अगला अपडेट निकल के आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस टीवी सीरीज के फीचर्स रिवील हो गए थोड़े बहुत और अहेड ऑफ जून जुलाई सेकेंड लॉन्च। और इसमें दोस्तों आपको कलरफुल विविड डिस्प्ले मिलने वाला है और थोड़े बहुत फीचर्स उन्होंने कह दिया है। इसमें दोस्तों आपको DCI-P3 कलर गैमुट का सपोर्ट मिलेगा, गामा इंजन होगा और डॉल्बी विजन भी होगा। अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 टिप्ड है टू फीचर ड्यूल बैटरीज विद 4365 mAh कॉम्बाइंड कैपेसिटी। सो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और एक्सपेक्टेड है टू लॉन्च ग्लोबली ऑन August 5th। चलिए दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म। और आज की टेक न्यूज आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना। और ये थी हमारी WSTN नंबर 40 है दोस्तों, नंबर 76। और WSTN का फुल फॉर्म आपको पता है क्या है, ये है राइट स्टाइल टेक न्यूज नंबर 76। सो हम जल्दी ही 100 टेक न्यूज रीच करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे एट होम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो से। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।